बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि इमाम मस्जिद अगर 5 मिनट मस्जिद लेट आ जाए तो नमाजी हजरात जड़े ने उन्हें ते शोर पाना शुरू कर देंगे ने। इमाम मस्जिद अगर चला गया नमाज उन्हें नहीं पढ़ाई दसे बगैर चला गया तो पूरे पिंड का शोर होएगा, नमाजियों का शोर होएगा कि जी इमाम मस्जिद क्यों चला गया। क्यों? इमाम मस्जिद भी एक इंसान है, उनके नाल भी जिम्मेदारियां ने, उनके नाल भी एक समाजी जिंदगी है, वह भी गुजार रहे, उन्होंने भी खुशी गमी है, उन्हें जाना है उसते। तो इस तरह अगर इमाम मस्जिद साहब किसी की खुशी गमी तक नहीं पहुँच सके उन्हों का वखरा एतराज बन जाता है। इमाम मस्जिद साहब किसी निकाह कराने से नहीं पहुँच सके किसी शादी से वो वखरा एतराज बन जाता है। इमाम मस्जिद साहब कब्रस्तान 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम नहीं गए उसे किसी का खत्म नहीं पड़िया एतराज बन गया। जल्दी देखभाल नहीं की इमाम मस्जिद का कसूर बन गया। मस्जिद की सफाई नहीं इमाम मस्जिद का कसूर है। वाशरूमों की सफाई नहीं इमाम मस्जिद का कसूर है। टूटियां की सफाई नहीं इमाम मस्जिद का कसूर है। यानी हर जगह से इमाम मस्जिद को कसूरवार ठहराने जबकि इमाम मस्जिद की एक बड़ी अहमियत है। इमाम मस्जिद एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है। इमाम मस्जिद इमाम लफ्ज़ तो असी वाकफ हो जाइए सानू इन्हें अहमियत का पता लग जाए। कल जो साढ़े मुल्क महंगाई का तूफान चलिया होया तो इमाम मस्जिद जी सू खिदमत करनी चाहिए वो असी बिल्कुल नहीं कर रहे। 1% या 0.5% असी पूरे पिंड दे विचों या इलाके दे विचों लोग इमाम मस्जिद की खिदमत करते हैं। इमाम मस्जिद के छोटे छोटे बच्चे ने, इमाम मस्जिद से भी जिम्मेदारियां ने, इमाम मस्जिद ने अपना घर का सिस्टम चलाना है जिहड़ा कि असी उस ते बिल्कुल गौर नहीं करते, उनकी गल नूं आई चलाई कर दें, तवज्जो नहीं करते, जबकि असी उनकी जिम्मेदारियां उनके कोल पूरियां लैंदे हां, काम उनके कोल असी पूरा लैंदे हां, जबकि जो वारी आती है उनकी खिदमत करन दी असी उनके बिल्कुल नज़दीक नहीं जाते। साडे पिंड दे इमाम मस्जिद साहब ने तो इन्हों को पूछांगे कि जो इन्हों पिंड वाले तनखा दे रहे हैं इस तनखा दे विच किवें गुजारा कर रहे हैं। जी उस्ताद जी बस मोहतरम गुजारा तो अल्लाह तबारक मताला दी पाकता ते सरकार दे सदके दे नाल कर रहा है अल्लाह तबारक मताला। लेकिन तुहाडे सामने के अज जो महंगाई का दौर चल रहा है पिया इतने मामूली तनखा ते बच्चों का और घर वालों का अहलिया का तमाम का अखराजात इस तरीके के मेडिकल दा और इस तरीके मैं सिर्फ अपनी गल जात वास्ते नहीं कर रहा बल्कि मैं पूरे आलम इस्लाम के जो इमाम मस्जिद ने सब वास्ते ये मैं गल कर रहा कि चाहिए है अवामुल नास नू के इमाम मस्जिद का खास ख्याल रखन ते उन्हां दी तरफ तवज्जो रखन के जिस तरह असी उनकी बसर कर रहे हैं उन्होंने भी बच्चे ने और उन्होंने भी अक्सर जात ने उन्होंने भी ख्याल रखना चाहिए है कि जिस तरह हर इंसान अपने अहलो याद का ख्याल करता है इमाम मस्जिद के बारे में भी लोगों को सोच विचार करनी चाहिए और उस तरफ ख्याल करना चाहिए है। तो इस वास्ते अलहमदुल्ला बाकी जो गुजारा पूरे अल्लाह तबारक मताला दी ज़ात में हर मुसलमान का भरोसा होता है तो साझा भी भरोसा है सरकार दस के अल्लाह तबारक मताला जो है हो जाएगी। जी साढ़े इमाम मस्जिद साहब ने जिन्होंने आख्या कि साडा अल्लाह तवक्कल है साड़ी तवक्कल अल्लाह से वो कुल मंगना पसंद नहीं करते क्योंकि साड़ी अंदर इज्जत नफ्स जी सानू हिम्मत नहीं देंदी ताकत नहीं देंदी। ये इमाम मस्जिद साहब ने 5 टाइम आना है। इमाम मस्जिद साहब सिर्फ इन्हों कामों से इस तो अलावा ना कोई काम दुनियावी कर सकते हैं ना इन्हों को करन दा टाइम होंदा है। इस वास्ते अगर इन्हों टोटली असी इस काम से रखे सानू चाहिए असं इन्हों की खिदमत करिए और भरपूर खिदमत करिए। अपने महीने का पूरा असं एक शेड्यूल बना लेने कि बच्चों की फीस देनी है, ऐ सब्जी का खर्च है, ऐ दुध का खर्च है, ऐ फलां चीज़ का खर्च है। असं लख लख रुपया अपनी एक फैमिली से खर्च कर दें महीने का। अज तक कभी भी असं उस शेड्यूल के इमाम मस्जिद का नाँ नहीं लिखा कि जी है इमाम मस्जिद के नाँ से 500 रुपया या 1000 रुपया अज तक असं नहीं लिखा। मेरी ये पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों को अपील है कि अपने शेड्यूल के अपनी उस कापी के जिहड़ा पूरे महीने का शेड्यूल तुसीं लिखदे हो उन्दे च इमाम मस्जिद का नाम ही लिखो अगों दा लिखो कि किसी महीने बाद 500, 1000 या 2000 जिहड़ी भी खिदमत करनी तो चुप करके किसी नूं पता ना लगन दिया करो खामोशी नाल जाके उन्दे हाथ च पकड़ा दिया करो तां जे उहदा दित्ता पैसा अल्लाह ताला इंशाअल्लाह रद्द नहीं करेगा। ये सदका जारी है, ये नेक रस्ते ते लाया पैसा इंशाअल्लाह ज़ाया नहीं होएगा और अल्लाह ताला तुहाडे रोज़ी च बरकत पाएगा तुहाडे माल रोज़ी बच्चों च बरकत पाएगा। और मेरी दुआ है कि सानू अल्लाह ताला इस काम ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।